नंबर है 15 बी एक्सरसाइज का 27 नंबर। ए सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर एंड हाइट है 2.1 मीटर इज बीइंग एंड टाइप ऑफ डायमीटर हाँ तो एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, ध्यान से देखिए, ये एक चैप्टर नंबर है 15B और 27 नंबर सॉल्यूशन है, एक वाटर टैंक है। देखिए ये एक वाटर टैंक है, मान लेते हैं ऊपर रखा गया एक वाटर टैंक, नीचे का पैना है ये ऊपर का पैना है, तो ये वाटर टैंक में पानी को भरना है हमको, ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है रेडियस। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है डायमीटर जिसका, यानी होल रेडियस नहीं दिया हुआ है बल्कि डायमीटर यानी कि 2R बराबर D दिया हुआ है। आप इसको लिख सकते हैं 2R समझ सकते हैं, क्योंकि डायमीटर का दुगुना रेडियस होता है, 1.4 मीटर है, जिसको हम रेडियस में अगर बदल लें तो रेडियस बराबर 1.4/2, ये डेसिमल नीचे आ जाता है, इसको थोड़ा आप कटाएंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी, 7/10 या 0.7 मीटर, ठीक है। और हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर इसका हाइट है। पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि जो है इसके अंदर पानी कितना अटेगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई हम रहने देते हैं कॉन्स्टेंटली फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, बिकॉज वी आर गोइंग एनी हाउ डिस्कनेक्टेड पाई डायरेक्टली, इफ यू वांट टू डिवाइड फ्रॉम द पाई देन इट्स पाई कुड बी डायरेक्टली, सीधे सीधे कट जाएगा, जो आपको समझने के लिए आसानी होगी, और पाई को फिर गुना करके फिर कट आने में आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, इसीलिए ऐसा किया है। ये 7/10 गुना 2. और पहले एक बार और 7/10 फिर एक बार 2.1, इस सबको आप गुना कर लीजिए, डेसिमल नीचे कर लीजिए, तो आपको हो जाता है 147 7 इक्वल टू 1029 पाई बाय 1000, तकरीबन 1029 पाई बाय 1000। अब बोलता है एक पाइप है जो मोटर से कनेक्टेड है, सपोज ये एक पाइप है, मान लेते हैं इधर से ये पाइप है, पाइप से पानी गिराना है इसमें, ठीक है, पानी है, ये पाइप है, ये टैंक था हमारा, ये पूरा टैंक है, ठीक है, ये पाइप है और ये टैंक है, इसमें पानी को गिराना है, और ये जो पानी है वो है 3.5 सेंटीमीटर थ्रू विच वाटर फ्लोस एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और ये डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लीजिए, सेंटीमीटर है, इट्स कन्वर्टेड इनटू मीटर, मीटर में बदलने से क्या हो जाएगा, डायमीटर को पहले रेडियस बनाएंगे तो 3.5 है तो ये 10 कैसे आ गया, और फिर इसको 100 से गुना कर देंगे तो आप मीटर 2 से इसलिए गुना कर दिए, ये आपका आ गया इसमें, और फिर आप 100 चूंकि 100 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है, तो 100 और भाग दे देते तो आपको क्या आ जाता है, ये 35/2 2 3 2000 मीटर 3.5 या 35/2000, आप इसको फिर कैंसिल करके भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, या आप 3.5/200 लिख सकते हैं, 35/2000 लिख सकते हैं, दोनों मैटर सेम ही है। अब आपको बताता है, ये तो हो गया 1029 पाई बाय 1000 ले लिए, ये आपका आ गया इसका, अब इसका निकाल लीजिए पहले,
ये वाला हिस्से का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालने के लिए फिर आपको पाई आर स्क्वायर एच करना पड़ेगा। यहां भी हम रहने देते हैं, पाई को कॉन्स्टेंटली रहने देते हैं, ध्यान से देखिए, पाई इज इन कॉन्स्टेंटली, पाई की जगह पाई रखते हैं, आर स्क्वायर की जगह हम 35/2000 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम डेसिमल रखते तो एक सुन्ना कम लिखते हैं, लेकिन डेसिमल हटा लिए हैं तो एक सुन्ना ज्यादा लिख रहे हैं, तो 35/2000 और मल्टीप्लाई इसका हाइट सबसे, कंसंट्रेशन दिया हुआ कितना है, हाइट दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड पे ये फ्लो हो रही, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिए। अब ये आप टोटल को गुना कर लीजिए, ठीक है, ये जितना होता है गुना कर लीजिए, हम नहीं भी गुना करें तो हम डायरेक्टली भी इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर से इसको बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली, ये तो आपको कंसंट्रेशन समझ में आ गया, इसका वीडियो हम थोड़ा सा मान लेते हैं। टैंक जो फील्ड होता है इन एक सेकंड लग जाता है, मान लेते हैं टैंक एक सेकंड, इसलिए लिए ये 2 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है पाइप का इसके अंदर घुसने का, ठीक है। तो अब आपको कर लेना है 10 सेकंड, जब आप मान लिए ये फील्डेड इन एक सेकंड, जब मान लीजिए तो इतना मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू इतना, दोनों को कंसंट्रेशन हम करके बना लेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमको निकालना है कि कितने टाइम में ये टैंकी फील्ड होती है, भरती है। तो आप सिंपल समझिए कि इसका आपको वॉल्यूम मिल गया पाइप का, और इसका भी वॉल्यूम मिल गया, अगर हम मान लें कि अगर वो एक सेकंड में भरता है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 × 35 × 35 × 2 × 2000 × 2000 × x सेकंड में भरता है बराबर 1029 π / 1000। अब हम सबको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, आप देखिए ऊपर में भी दोनों तरफ पाई पाई है, ये पाई पाई हम यही कैंसिल कर सकते हैं आसानी से, इसीलिए पाई को मल्टीप्लाई नहीं किए, हम पाई को मल्टीप्लाई करके भी आंसर प्राप्त कर सकते थे, लेकिन पाई का वैल्यू जैसा आप लोग जानते हैं अभी तक नहीं है, बट 22/7 जनरली यूज करते थे या 3.14 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, और आर्किमिडीज महोदय ने इसके 1 करोड़ अंक तक संख्या को निकाला है, रिसेंटली सुपर कंप्यूटर ने पाई का वैल्यू 3 करोड़ अंक तक गया है, लेकिन इसके ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाए, इसीलिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेशन में आपको कंसंट्रेशन करना कि जितना आसान हो कैलकुलेशन उतना जल्दी करें, क्योंकि अगर हम यहां भी एक बार मल्टीप्लाई कर लें फिर एक बार भी वहां कटाना आए तो हम क्यों दोबारा एक ही काम करें, डायरेक्टली इसको हम मल्टीप्लाई एक्स करके इतना को इक्वल कर लिए, आसानी से हो जाएगा। ये 3 0 3 0 यहां से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर ऊपर इक्वल के ऊपर कैंसिल करिए, नीचे नीचे इधर से कैंसिल करिए, अब आपका हो गया इतना मल्टीप्लाई, देखिए 35 × 35 × 2 × x इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर, इधर से इधर, ये डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, ये लाइन इससे कैलकुलेट हो गया, ये लाइन इससे हो गया, तो ऊपर में ही हमारा x था इसीलिए सबको एक साथ लिखे, और ये सब इसके साथ है तो इसको हम एक साथ उधर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 × 10 × 29। अब हम फिर एक स्टेप बनाते हैं x इक्वल टू यही x सेकंड जो माने हैं इसी का हमको वैल्यू चाहिए, सेकंड में आ जाएगा, x सेकंड बराबर 2000 × 2 × 10 × 29 / क्योंकि x वो इसका मल्टीप्लाई है, इसका डिवीजन में आ जाएगा 35 × 35 × 2 × कुछ नहीं, x तो आने ही का मल्टीप्लाई में क्या लेंगे कुछ नहीं, ये 2 2 यही बढ़वा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप मल्टीप्लाई करके अच्छी तरह से कैंसिल करके समझते हैं, यहां से देखिए अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको ही 5 से कर देते हैं, 5 4 = 5 7 = 5 8 =
सात अब इधर नहीं कटेगा आठ, अब ये सात इसको चेक कर दे, एक 32 38 और ये कट रहा है क्या 229 सात से, देखिए 3 32 75 कट रहा है, सात के सात 3 32 हो गया 75 40 28 चार बज गया 49 सात 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 से भी कट जा रहा, सात 21 इंटू 8 एक अटे आठ 1680 सेकेंड। अब 1680 सेकेंड को कन्वर्टेड इनटू मिनट, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, खाली कन्वर्टिंग सबका काम बहुत ज्यादा रहता है जनरली, इसको इसलिए कन्वर्ट में 1680 सेकेंड गिनती करने के लिए आपके पास टाइमर नहीं मिलते हैं, इसीलिए मिनट में ले लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय, जान रहे हैं छोटा से बड़ा यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, और जब बड़ा से छोटा यूनिट जाए तो मल्टीप्लाई करें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद भी होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस टर्म पे हम लोग इसको सेटिस्फाइड करेंगे और हम भाग कर देंगे 60 से, शून्य शून्य कट गया 6 12 4 48 28 मिनट, यही हो गया आपका आंसर। एक बार रिवीजन में क्वेश्चन को अगर आप समझने का प्रयास करें, एक थॉट रिवीजन में आप इसको थिंक करिए, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसको पानी भरना है और वो जो पाइप है वो पाइप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो होती है और उस पाइप का जो है डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर जो यहां लिखा हुआ, तो इसके पूरे वॉल्यूम ले लिए और इसके पूरे वॉल्यूम को डिवाइड कर लिए खाली, तो हमको सेकंड चूंकि मानना पड़ा एक्स से कर लिए, तो हम डिवाइड करके आसानी से सेकंड निकाल सकते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन मेरे ख्याल से आप सबको समझ आई होगी, कमेंट कीजिए, बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, करने की इच्छा कीजिए, न करने की इच्छा मत कीजिए।